वेलकम गाइस टू अवर चैनल लेट्स इटालियन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी से वेरीफाई करवाने का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आईबीसीसी से और मूफा से टेस्टेड हों। तो जब अपने आईबीसीसी के ऑफिस जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या तरीके का इसका, तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और जब अपने आईबीसीसी के ऑफिस जाना है तो आपको जाने से पहले आपके जो से डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक के और एफएससी के, वो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से पहले वेरीफाई होने चाहिए, क्योंकि आईबीसीसी की रिक्वायरमेंट्स है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से पहले वेरीफाई हों और वो इनवेलप आपको दें। वो अपने इनवेलप जो है वो अपने पास रखना है और लेके जाना है आईबीसीसी के ऑफिस। तो वो इनवेलप कैसे होता है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके घर जो है वो इनवेलप आ जाएगा, या खुद जाके वहाँ पे वर्क थ्रू अप्लाई करते हैं अपने मैट्रिक एफएससी के रिस्पेक्टिव बोर्ड में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं, तो वो आपको एंड पे ऐसा इनवेलप देंगे। और ये देखें इसके पीछे जो है सील, जो है स्टैंप भी लगी हुई है, सील है, इसको मैंने ओपन नहीं किया और आपने भी सेम ऐसे से ओपन नहीं करना। अगर आपने इस जो है इनवेलप को ओपन कर लिया तो ये बेकार है, आपको फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा प्रोसीजर, इसका अप्लाई करेंगे दोबारा से फीस जमा करवाएंगे। तो इसके ऑलमोस्ट जो है 4000 फीस इसके मैंने पे किया और तब मुझे जाके ये मिला है। तो मैंने ये ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने मैट्रिक और एफएससी के जो से डॉक्यूमेंट्स हैं अपने बोर्ड से कैसे फर्स्ट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन। तो गाइस हम अपनी मेन वीडियो की तरफ आते हैं, आईबीसीसी रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो मैंने गाइस आईबीसीसी ऑफिस लाहौर से मैंने जाके खुद बाई हैंड उनसे अटेस्टेशन करवाई है, परसों मैंने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवाया। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो डिफिकल्टी मुझे फेस आई है, जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता था, तो वो आपको वो चीज़ें पता चल जाएं ताकि आप जब जाएं तो रेडी होकर जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल जो है अपने आईबीसीसी ऑफिस लाहौर जाना है, वहाँ पे उनका बेसमेंट के अंदर ही उनका ऑफिस है क्वीन प्लाजा में, और नीचे उनकी शॉप है। तो वहाँ से अपने फर्स्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको 20 रुपीज़ का मिलेगा, उसे आपने फिल कर लेना है। ये देखें जैसे ये मैंने फिल किया, ऐसे आपने फिल कर लेना है। इसमें आपने जो है अपना नेम, फादर नेम, CNIC और अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप कॉपी सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो कॉपी को सिलेक्ट कर लेना, टिक मार्क कर देना, और अगर ओरिजिनल करवाना चाह रहे हैं तो ओरिजिनल को टिक मार्क कर लेना। देन नीचे आपने अपनी फीस लिख देनी है। मैंने 4800 रुपीज़ फीस लिखी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे 4 डॉक्यूमेंट्स थे, 2 SSC के थे और 2 HSSC के, इनके रिजल्ट कार्ड और डिग्री दोनों थे, तो मेरे टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैंने 4800 रुपीज़ लिखा है पर डॉक्यूमेंट्स। जो है आईबीसीसी 1200 चार्ज करता है, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो 1200 आपसे चार्ज करेगा, अगर आप कॉपी करवाना चाह रहे हैं तो 600 रुपीज़ फीस होगी। तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे फिल कर लेना है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो सा होगा वो अपने चलान फॉर्म जो सा है वो फिल करना है। चलान फॉर्म आपको आईबीसीसी ऑफिस लाहौर से जो सा है ना वहाँ से आपको मिलेगा, ये फ्री के अंदर चलान फॉर्म होगा। वो अपने चलान फॉर्म लेना है और ऐसे फिल कर देना जैसे मैंने फिल किया हुआ है। तो इसके अंदर भी अपने अपना नेम, एड्रेस और साथ जो सा अपनी फीस लिख लेनी है। तो पर डॉक्यूमेंट्स मैंने ये 2400 लिखी हुई है, क्योंकि मैं कम्बाइन थे मैट्रिक के और एफएससी के, मैट्रिक के भी 2 डॉक्यूमेंट्स थे और एफएससी के भी 2 डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैंने लिख दिए हैं ये 4800। तो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे अपने उसी लिहाज से फीस लिख देनी है और ये चलान फॉर्म जो है सबमिट करवा देना है। चलान फॉर्म जो है सबमिट होगा ये नेशनल बैंक में, नेशनल बैंक जो है आईबीसीसी ऑफिस जो है बेसमेंट में, इसके ऊपर ही जो है नेशनल बैंक जो है फर्स्ट फ्लोर पर, तो आपने वहाँ पर जाकर चलान फॉर्म जमा करवाना है। देन वापस आके फिर अपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स उनसे सबमिट करवाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स उनसे हैं सबमिट अपने कैसे करवाने हैं, उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो सा आपके पास ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया होगा ये आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो आप चलान फॉर्म जमा करवा के हैं ओरिजिनल, ये आपने जो साथ अटैच करना है। देन थर्ड जो आपके साथ आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। फोर्थ जो आपके पास सील्ड इनवेलप होना चाहिए, जैसे कि मैं अपने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया सील्ड इनवेलप वो आपने लगानी है। और फिफ्थ जो है वो आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लगाना है। डॉक्यूमेंट्स अगर आप कॉपीज करवाना चाहें तो अपने कॉपीज लगा देनी है, अगर आप ओरिजिनल करवाना चाहें तो ओरिजिनल लगवा देनी है। तो मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवाया तो मैंने ये 5 ही लगवाई, 7 एक्स्ट्रा कॉपी कोई देने की जरूरत नहीं है। मैंने भी एक कॉपीज लेकर गया था लेकिन वो उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉपीज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्होंने मेरे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ये बाकी चीज़ें मेरे से ली थी। तो आपने भी जो है एक्स्ट्रा कॉपीज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपको और साथ एप्लीकेशन फॉर्म, सील्ड इनवेलप और ये चलान फॉर्म और अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, ये 5 चीज़ें आपने जो वहाँ पर सबमिट करवा देनी है। आपने ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कब करवाने हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके 1 बजे से पहले पहले जो है ना आईबीसीसी जो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, तो आपने कोशिश करनी है कि 1 बजे से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन करवाएं। तो मैंने भी 1 बजे जो अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा दिया था ये, और मुझे जो फिर 3 बजे जो उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया था, तो मुझे जो 3 बजे मेरे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए। जब आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन करवाना है तो उसके साथ वो आपको आपके जो चलान फॉर्म होगा उसके पीछे आपका टोकन नंबर लिख देंगे आपके, यानी कि बता देंगे, साथ टाइम भी लिख देंगे कि आपने इस टाइम आकर ये अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर लेना है। तो ये जिस दिन आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएंगे उसी दिन ही आपको जो है ना आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स आपके वो रिसीव हो जाएंगे।
नेक्स्ट डे की जाने की कोई बात नहीं है, तो अपने उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कि रिसीव हो जाएंगे। 3 बजे दो बजे से डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो जल्दी करवाते हैं उनको 2 बजे मिल जाते हैं, जो उनसे लेट करवाते हैं तो उन्हें फिर 3-4 बजे तक उनसे डॉक्यूमेंट्स को मिल जाते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स IBCC से अटेस्ट कर देगा तो वो कैसे होंगे तो ये देख लें। आपने जो से IBCC ने अटेस्टेशन करवाई हुई है, जो ग्रीन जो सी स्टैंप नज़र आ रही है ये IBCC जो उनसे अटेस्टेशन करते हैं, बाकी जो सी स्टैंप्स हैं ये मूफा की हैं, तो ये मूफा भी मैंने वीडियो बनाई, ये भी आप देख सकते हैं, और कैसे उसका प्रोसीजर वो भी मैंने सारा डिस्कस किया है। तो ये अभी IBCC जो उनसे अटेस्ट करती है वो सिर्फ आपकी जो सी ये ग्रीन वाली नज़र आ रही है ना स्टैंप, ये जो IBCC की अटेस्टेशन होती है, सिंपली अटेस्टेशन होती है। तो ये थी आज की वीडियो, तो इसमें कंप्लीट मैंने ये प्रोसेस बताया कि आपने जब IBCC ऑफिस जाना तो अब क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या फीस है इसकी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, ताकि आप जब जाएं तो आपके लिए इजीली हो जाए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।